देखिए, आफ्टर यू हैव एक्सॉस्टेड व्हाट यू कैन डू थ्रू एक्सप्लॉइटिंग द बॉटलनेक, द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू सबॉर्डिनेट ऑल डिसीजंस टू द बॉटलनेक। एग्जैक्टली करना क्या है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट सर्विसिंग टीम है जो आपकी, क्लाइंट सर्विसिंग टीम, भाई साहब क्लाइंट सर्विसिंग टीम को आप डेली मॉनिटर कीजिए, वो जितने क्लाइंट्स को मिलके आते हैं उनके बाद जो बचा हुआ समय है उसको भी बोल भैया प्रोस्पेक्टिंग कर। क्लाइंट सर्विसिंग करना क्या होता है सर, कितने लोन की एप्लीकेशन अपन रोज प्रोसेस करते हैं, कितने नॉमिनेशन चेंज करते हैं रोज। भाई साहब जो क्लाइंट सर्विसिंग वाला आदमी है उसके पास जब तक क्लाइंट सर्विसिंग का काम है क्लाइंट सर्विसिंग करे, अन्यथा प्रोस्पेक्टिंग करे, जो मेरा बॉटल नेक है उसको दूर करे। हाँ, अगर आपके पास बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्ट हैं तो फिर अब आप प्रोस्पेक्टिंग को रोक दीजिए, क्लाइंट सर्विसिंग टीम बढ़ा लीजिए। क्लाइंट सर्विसिंग टीम क्या कर सकती है रंजीत भाई, आप जाके क्लोज कीजिए, क्लोज करने के बाद आप उसको एक विजिटिंग कार्ड दे सकते हैं कि सर ये मेरा असिस्टेंट है, अंबर अरुंदकर नाम है, बीकॉम एमबीए पढ़ा लिखा है, आपके पास आएगा और सारी डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेलिटीज करके चले जाएगा। यू डोंट स्पेंड टाइम ऑन डॉक्यूमेंटेशन, लेट समबडी एल्स कम एंड डू दैट फॉर यू, बिकॉज आपका जो एक्सपर्टीज है सर, अगर वो सिर्फ कन्वर्जन पे जाएगा जिसके लिए कि आप लोग बने, जिसके लिए कि आप लोग बने, ट्रस्ट मी योर लाइफ विल चेंज पार्टनर्स। एंड अगर हम आज के बाद ये एक छोटा सा चेंज अगर हमारे लिए करें ना, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप एक किताब आई थी बीच में ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, आप में से किसी ने सुना है, इंसियाट बिजनेस स्कूल के फ्रांस के दो प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर आप नॉन प्लेयर्स को गेम में लेके आते हो तो पूरा गेम का पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, राह भटकने की इजाजत है। देखिए पार्टनर्स, JW Marriott, 7-star property, राइट? JW Marriott में अगर आप जाओगे तो Marriott वाला आपको बोलेगा सर अवर रूम साइज इज 300 square feet, वी हैव गॉट 178 आइटम्स का बुफे स्प्रेड, राइट? लेकिन उसके लिए आपको रूम का पैसा कितना देना पड़ेगा, सम थाउजेंड्स। मुझे नहीं पता खुद के पैसे पे Marriott में रुकने वाले कितने लोग होते हैं, जब भी मैं अपने पैसे पे फॉरेन जाता हूं आईबीस ढूंढता हूं, और जब भी कोई दूसरी कंपनी जहां बुलाती है तो भैया माले मुफ दिले बहरम। अब ब्लू ओशन स्ट्रेटजी वाले साहब का ये कहना है आईबिस, देखिए जब भी आप किसी होटल में जाते हैं तो आप होटल में क्या तलाशते हैं, हम क्या तलाशते हैं होटल में सर, एक क्लीन रूम, यस और नो, हाइजीनिक टॉयलेट, एकदम होलसम टाइप का ब्रेकफास्ट। महेश भाई अगर 176 आइटम भी बुफे में है, भगवान की कसम अगर आप 3 दिन से भूखे भी रह के जाओगे तो 176 में से कितने खाओगे। तो आईबिस वाला ये बोलता है कि भाई साहब हम जो है ना Marriott वाला प्राइस नहीं ले रहा है आपसे, Marriott का 1/4, लेकिन आपको जो चाहिए, जो की इंपॉर्टेंट वैल्यूज कस्टमर चाहता है वो सब बरकरार रखते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीजें हैं सर, 340 स्क्वायर फीट का रूम करोगे क्या भाई साहब। जब भी अपन ट्रेवल करते हैं दिन भर ट्रेनिंग में रहता है आदमी, शाम को 7 बजे के बाद थक हार के उसको जो 6x6 का बिस्तर मिलता है ना, उससे आगे कुछ नहीं चाहिए होता, एकदम बढ़िया पंखे की तरफ देख के सोता है थकाटक। वही मैं कह रहा हूं सर, तो ब्लू ओशन स्ट्रेटजी में उन्होंने ये कहा कि अगर आप कोई ऐसा होटल लेके आएंगे जो Marriott से बहुत कम रेट का रहेगा लेकिन किसी बस स्टैंड के पास वाले आईने अनहाइजीनिक लॉट से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, तो इधर वाले भी आपके पास आएंगे, इधर वाले भी आपके पास आएंगे, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आईबिस इज अ मैसिव हिट। उनका एक एग्जाम्पल देते हैं, वो यूएस में एक, सॉरी यू नो यूएस यूरोप में एक ओपेरा करके इंडस्ट्री है, ओपेरा, जहां पे आप वो सिंगर्स को सुनने के लिए जाते हैं। ओपेरा में ये रूल होता है कि आप टक्सीडो के अलावा जा नहीं सकते। अब भाई साहब ओपेरा सुनने वाले वैसे ही कम हो रहे हैं, महंगे महंगे वेन्यू होते हैं उनके, जो उनका लीड ऑर्केस्ट्रेटर रहता है उसका जितना बड़ा नाम होगा उतने ज्यादा पैसे वो ले लेगा, सुनने वाले कम, सरकार उस इंडस्ट्री को फंड कर रही है, सब्सिडी कर रही है, फिर भी कोई बच नहीं रहा। एक रीव्स करके थे साहब, उन्होंने ओपेरा का माहौल चेंज कर दिया, उन्होंने कहा भैया कोई रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन नहीं, वेम्बली स्टेडियम में होगा, कोई टक्सीडो पहनने की जरूरत नहीं, बरमूडा टी शर्ट में आ जाओ, जैसे रंजीत भाई ने आप में से कईयों को आजादी दे दी अभी। उनका कहना है कि कोई लीड सिंगर की ऐसी की तैसी, यार आपको अगर बीच में आके नाचना है नाचो, बियर की बोतल लेके आना है लेके आओ, सब करो। ओपेरा में अगर आप रॉयल अल्बर्ट हॉल में जाओगे तो आपको बच्चे लाना अलाउड नहीं है, तो भैया उन्होंने कई सारे यंग पेरेंट्स को तो वैसे हटा दिया लिस्ट में से। लेकिन रियूस साहब का जो ओपेरा था उसमें उन्होंने नॉन प्लेयर्स को गेम में लाया। पार्टनर्स, आपके कन्वर्जन का परसेंटेज तब बढ़ेगा, देखिए कोई ना कोई शख्स कहीं ना कहीं बीमा खरीद रहा है आपके शहर में, हाँ या ना। अभी मैं, मेरा एक दोस्त है उसके साथ बैठा था HDFC बैंक इंदौर में,
आरके सर, आई वाज स्टंड टू नो एचडीएफसी बैंक इन इंदौर डज एन एनुअल प्रीमियम ऑफ मोर देन 100 crores. और हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी भाई साहब, उनकी परसिस्टेंसी एकदम, क्योंकि बैंकर को खुद को ही पता नहीं वो क्या बेच रहा है, उसको यह भी पता नहीं है कि 4 साल बाद वहां पे रहेगा कि नहीं रहेगा. यार मुझे तो कई बार ये लगता है कि अगर हम में से कोई आदमी एक यही काम शुरू करे जो सिर्फ ये बोले बड़े लोगों को कि सर आपने बैंक से कोई इंश्योरेंस खरीदा है क्या, सर मेरी सर्विस ये है कि आप मेरी कंसल्टेंसी फीस दीजिएगा, मैं आपको सिर्फ एसेस करके बताऊंगा कि बैंकर ने जो आपको दिया है मेरे हिसाब से उचित है कि अनुचित. और भाई साहब बैंकर्स के कोई प्रीमियम छोटे नहीं होते. जो आदमी वहां पर 8 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए दे चुका है बड़ी सीसी लिमिट के चक्कर में, अब आपके रिकमेंडेशन पे वो ये तय करेगा कि आगे देना है कि नहीं देना. और अगर आपने उसको उचित तरीके से समझा दिया कि उसके साथ क्या चोट हुई है तो शायद पूरे पैसे आपको ना दे, लेकिन आधा तो आपके पास नई पॉलिसी में आ ही सकता है. और आप गलत नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप उसे पेपर पे बता सकते हो कि यार ये पॉलिसी आप उसको क्यों नहीं रिकमेंड करोगे या जो आप रिकमेंड करोगे वो क्यों करोगे. शायद तभी ना ले, हो सकता है सेम डे ना ले, लेकिन असित भाई उसकी नजर में ये वैल्यू तो होगी कि यार बैंकर ने मुझे कोई चीज बिना समझाई दे दी है. यार अशित राजकोटिया जिसे मिलता हूं तो कम से कम जो लेता हूं समझ में तो आता है. सर ये कितना बड़ा कंफर्ट है उस आदमी के लिए जिसने अपने 25 लाख रुपए दे दिए हैं या 15 लाख रुपए दे दिए हैं, उसे पता तो हो कि उसने क्या खरीदा है. BITV चैनल पर आपका स्वागत है. BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं.